गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की। नो, हम सब अवेयर है कि हमारे इकोनॉमिक बजट, यूनियन इकोनॉमिक बजट में इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया। वॉट इज़ दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? लेकिन हम यहाँ इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हिमाचल स्टेट के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हिमाचल स्टेट में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस परस्पेक्टिव से हम यहाँ पर हिमाचल स्टेट का कंटेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। प्रोग्राम के एम्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, ये शायद हम नेशनल के करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, बट यहाँ इसको स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ से रिलेट करना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में। सबसे पहले टारगेट क्या है इस प्रोग्राम का, इट इज़ अबाउट विलेजेस, राइट? और एम क्या है यहाँ पर, यूनियन मिनिस्ट्री कह रही हैं कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के जो रिमोट एंड आइसोलेटेड विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा। बट कौन से विलेजेस? स्पेशली वो विलेजेस जो चाइना बॉर्डर के साथ हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेटर ऑन देखेंगे कि वो जो डेवलपमेंट है वो किस कंटेक्स्ट में है, राइट? अब नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्रीलिम्स का हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दिस प्रोग्राम विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, इसके लिए नोडल एजेंसी क्या होगी? तो हम यहाँ पर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, राइट? और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑलरेडी एक स्कीम है, ऑलरेडी एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट से यहाँ पे मतलब सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स का, ब्रिजेस का, फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन नहीं है। डेवलपमेंट से यहाँ पे मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, उसको भी डेवलप करना है, राइट? ठीक है, तो एक तरह से वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, इट इज़ अ वेरी इम्प्रूव्ड एंड रिवाइज एंड मच नीडेड एक्सटेंशन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? तो मिनिस्ट्री ये कह रही हैं कि देर आर अप्रॉक्सीमेटली 198 विलेजेस इन विद इन दिस बॉर्डर ऑफ हिमाचल स्टेट शेयरिंग दिस बॉर्डर विद चाइना, जो कि आपका मिडल सेक्टर में आता है, राइट? और हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर विलेजेस के 10 किलोमीटर्स के एरियाज में रेस्ट ऑफ द विलेजेस को भी जो है वो डेवलप किया जाए। अब इस प्रोग्राम को डिटेल में देखते हैं कि वो डेवलपमेंट जो है, एज आई जस्ट मेंशन, वो सिर्फ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होगी, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होगी, ये डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाएगा। इस डेवलपमेंट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हम इसको GS पेपर 3 इकोनॉमी टूरिज्म विजावेज रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो टूरिस्ट के इंपॉर्टेंट स्पॉट्स, राइट? ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन बेटर कम्युनिकेशन भी होगी, राइट? ये डिटेल इसका अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर होने जा रहा है। इसके बाद जो है वी विल सी कि स्पेशली बॉर्डर विलेजेस के लिए, तो प्रिलिम्स में यदि हमारा क्वेश्चन आ जाए कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये कौन से विलेजेस के लिए है ना, तो विलेजेस में भी हम किस पर टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेट फोकस है हमारा बॉर्डर विलेजेस के लिए, है ना? और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज का एग्जाम्पल्स है, इसको मैप से देखते हैं, जैसे चितकुल, समदो, चांगो। लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट। एक मिनट, आप इसको आई थिंक आप बेटर रिलेट कर पाएंगे। यदि आप इधर देखेंगे, देखिए ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का डिटेल मैप है, इधर ये बॉर्डर शेयर हो रहा है चाइना के साथ, और हम बात कर रहे हैं बॉर्डर विलेजेस लाइक नाको, चांगो, बॉर्डर विलेजेस लाइक नागिया, खाप, राइट? इवन यहाँ पर चितकुल विलेज, समदो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये विलेजेस के हाईलाइट किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। अब क्या है, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन होगा या जो स्कोप होगा वो इन विलेजेस के लिए होगा, और डेवलपमेंट जो है वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिस्ट की भी जो है वो डेवलपमेंट होगी, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी डिटेल्स पार्ट में प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, राइट? ये है वाइब्रेंट प्रोग्राम जिसको आपने, इसका जो फंडिंग है कंप्लीट, दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस प्रोग्राम कि इसकी जो होली सोली 100% जो फंडिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट देगी, राइट? और इसका जो अल्टीमेट जो रैशनल है वो क्या है, इसका अल्टीमेट रैशनल है, लेट्स नाउ राइट इट इन दिस वे दैट ए, वॉट इज़ द एम? सपोज करो आपको यदि मैंशन करना हो वॉट इज़ द एम ऑफ दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो आपको आइडेंटिफाई करना हो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए, तो एम क्या है यहाँ पर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्लस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना,
तो आपने पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा फीचर्स ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सेकंड पॉइंट आपने लिखा कि इसका स्कोप क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, तो आपने उसकी एप्लीकेबिलिटी लिखी जैसे बॉर्डर विलेजेस में है, तो हम स्पेसिफिकली स्टेट हिमाचल स्टेट की बात कर रहे हैं, दिस विल बी ट्रू फॉर उत्तराखंड स्टेट ऑल्सो, राइट, ठीक है, और बॉर्डर विलेजेस में कौन से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की आपने, दो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, लाहौल स्पीति की बात की और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात की, राइट. फिर हम इसको और कैसे मेंशन कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इसके लिए नोडल एजेंसी क्या है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कौन सा है, तो वहाँ पे आपने समझा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि होम अफेयर्स जो है वो नोडल एजेंसी है, राइट, ठीक है. फिर हम इसके फीचर्स में ऐड कर सकते हैं कि इसका फंडिंग पैटर्न कैसा है, फिल्म्स में भी हमें याद रह जाएगा फिर इस पार्ट से कि कुछ ऐसा है कि 50-50 शेयरिंग हो रही है, 60-40 शेयरिंग हो रही है, नहीं, हम कह रहे हैं कि इसकी जो 100% जो फंडिंग है वो कौन प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. तो आपने इस तरह से इसके फीचर्स को आइडेंटिफाई किया और फिर आपने साथ में फिफ्थ फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया एग्जाम्पल्स के तौर पर कौन से बॉर्डर विलेजेस डेवलप हो सकते हैं. तो जैसा आपने अभी जैसे इस मैप में देखा तो आपने कहा कि खाब, नाको, राइट, चितकुल और आपके पास समदो, ये विलेजेस आपके यहाँ पर क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. ओके, ये तो हो गया आपका ये वाइब्रेंट प्रोग्राम, बट मैं आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं, राइट, आप इसकी हिस्ट्री देखें, तो लेट मी टेक यू टू द अनदर आर्टिकल. ओके, थोड़ा सा ब्रीफली इसकी हिस्ट्री, ये रैशनल ऐसा क्यों हुआ है, राइट, तो ब्रीफली क्या हुआ था हमारे पास, दिस इज अनदर आर्टिकल ऑलरेडी अपडेटेड इन आर वेबसाइट ऑल्सो, हिमाचल प्रदेश एडवांस मल्टी सेक्टर प्लान टू काउंटर चाइना, चाइना का अग्रेसिव एक्सपेंशनलिज्म को काउंटर करने के लिए हिमाचल स्टेट ने अपनी जो है पुलिस की टीम, अपनी पुलिस रिजर्व फोर्सेज की टीम्स को स्टडी करने के लिए भेजा था. इस टीम ने जो है 12-point action plan, आई जस्ट टेक यू टू दैट, 12-point action plan जो है वो सबमिट करवाया था यूनियन गवर्नमेंट को. उसको देखते हुए, हिमाचल स्टेट की वनरेबिलिटी को देखते हुए, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया. लेट अस टॉक अबाउट दिस. यस, हियर इट इज. सी नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि चाइना इज अ नेशन विच हैज़ अ वेरी हॉस्टाइल इंटेंट, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हमारा अनफ्रेंडली यहाँ पर नेबरहुड है, चाइना के पॉलिसी है एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म की, राइट. एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, बॉर्डर विलेजेस में चैलेंजेस क्या आ रहा है कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है, यूथ जो है वो वहाँ से माइग्रेट कर रहा है. तो इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है कि बॉर्डर विलेजेस में स्पेशली हिमाचल स्टेट में हम कौन सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, डीपॉपुलेशन ऑफ विलेजेस. तो ये एक एडिशनल एडवांटेज आप वाइब्रेंट विलेज के प्रोग्राम के साथ रिलेट करेंगे. आप क्या कहेंगे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से जो है हम डीपॉपुलेशन ऑफ विलेजेस को स्टॉप कर सकते हैं, राइट, ठीक है. अब इस प्रोग्राम में आप ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड है कि हिमाचल स्टेट ने जो अपना एक स्ट्रैटेजिक और लोकलाइज प्लान यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट करवाया क्योंकि उन्होंने ग्राउंड स्टडी की. कहाँ पर की ग्राउंड स्टडी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में नेचुरली, किन्नौर और लाहौल स्पीति में. और इस ग्राउंड स्टडी के बेसिस पर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन दी गई यूनियन गवर्नमेंट को कि जो लोकल लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए वेपन्स को हैंडल करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, शेयरिंग के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए, कम्युनिकेशन के मेजर, स्पेशली टेली कम्युनिकेशन, राइट, स्ट्रैटेजिक नेटवर्क, सैटेलाइट्स, ये सब एक्सपैंड करना चाहिए और इस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर कि लोग वहाँ से माइग्रेट ना करें. तो बच्चों ये इसकी हिस्ट्री है, राइट, और एज इस हिस्ट्री और इसके बेसिस पर जो है 12-point action plan जो है वो सबमिट करवाया गया कि कैसे ये पार्ट होगा. इसके लिए में इसको हिस्ट्री को आप ब्रीफली मेंशन करेंगे, मतलब कमिंग बैक टू द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हम बात कर रहे थे. अच्छा चलो इधर ही बात करते हैं. इस पर्टिकुलर फीचर्स में तो हमारा नेक्स्ट फीचर क्या आ जाएगा कि हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव क्या है. तो व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दिस वाइब्रेंट प्रोग्राम जो अभी हमने इसकी बात की. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रैशनल क्या है, हमारा 12-point localized plan सबमिटेड बाय द हिमाचल स्टेट टू द यूनियन मिनिस्ट्री, राइट. तो ये हिस्ट्री के साथ ऐड किया, फीचर्स लिंक किए और इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे इस इंफॉर्मेशन को, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में. जब आप इंडिया चाइना के स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे तो उसमें आप फॉर एग्जांपल हिमाचल स्टेट का पर्सपेक्टिव ऐड कर सकते हैं. सो आई होप दिस विल हेल्प यू
इन प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक वेरी वेल. नेशनल लेवल से तो इम्पॉर्टेंट है ही, स्टेट लेवल से इसकी और ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट.